नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काशी में पढ़ना चाहते हैं, इस काशी के धरती में पढ़ना चाहते हैं, बनारस में पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में BHU उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन वो CUT के थ्रू है और उसका फॉर्म जा चुका है। तो यहाँ पे एक अभी भी विश्वविद्यालय है, अब वो विश्वविद्यालय हो चुका है, अब वहां उन्होंने भी अपने टाइटल में यूनिवर्सिटी जोड़ लिया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MJKVP। बहुत सारे इसके एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे भी महात्मा गांधी में पढ़ना चाहते हैं, यहां से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, उसका फॉर्म आ चुका है। और हाँ, अभी फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि ये वीडियो बस आपको अपडेट करने के लिए है। मैं मैक्सिमम बच्चों को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ, अभी भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे इलाहाबाद का डेट बढ़ा है, इलाहाबाद आप भर सकते हो, LU का डेट बढ़ा हुआ है, LU आप भर सकते हो, लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है, और अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसके फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। महात्मा गांधी का घर बैठे अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला करके नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके, बेसिकली क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल जा रहा है तो वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप करोगे तो खुद ही वो लोग कॉल बैक करेंगे आपको। अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो कि हाँ भाई, हम आपके यहाँ फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, कहीं ना कहीं आप अपना फॉर्म जो कहीं जाके फिलअप करते हो वो आप उनसे फिलअप करा सकते हो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द हम लोग बाकी जो आपके अपडेट्स रिलेटेड है CUET से, UG & PG बोथ का, वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे वो महात्मा गांधी का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हर हर महादेव।